नतीजे आ चुके हैं और नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, इसकी डिमांड पे मैं एक बार आपसे पता करना चाहता हूँ कि इसकी फाइनेंसिंग कितनी इंप्रूव हुई है सर। पिछले कुछ महीने में सिग्नल तो देखने को मिल रहे हैं कि इसकी फाइनेंसिंग इंप्रूव हुई है। आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होगा, डिमांड भी बढ़ेगी उससे जुड़ी फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी कमर्शियल व्हीकल पे सर? अभी डिमांड फॉर कमर्शियल व्हीकल हैज बीन इम्प्रूविंग। ये रीजन ये है कि अभी आप पास्ट आप देखिए कि प्रीवियस पीक हमारा 2018 में हुआ था, 18-19 में 1 मिलियन व्हीकल सेल हो गया था कमर्शियल व्हीकल में। वो दो साल पहले 550,000 को आ गया था और लास्ट ईयर 720,000 को आया था। इसका मतलब है कि हम वापस 1 मिलियन मार्क रीच करने के लिए और 3-4 साल लगेगा। इसका मतलब हम पीक रीच करने तक हम ग्रोथ करते रहेंगे, क्योंकि उतना शॉर्टेज हो जाता है कि व्हीकल का। एज अभी इकोनॉमिक इतना एक्सपांड होता है, यू नीड मोर व्हीकल, ज्यादा व्हीकल चाहिए। लेकिन अभी लास्ट 3 इयर्स से वो कम होने से वो वापस रीच होने के लिए और 3 साल लगेगा, 2-3 साल तक। उस वो टाइम तक सीवी का डिमांड स्ट्रांग रहेगा। और दूसरा ये भी रीजन है कि अभी गवर्नमेंट स्पेंड भी अच्छा है, रियल एस्टेट में भी अच्छा बूम है, अर्बन डिमांड अच्छा है और रूरल मार्केट भी अच्छा चल रहा है। अभी मानसून अच्छा होने से लास्ट 3 इयर्स हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट कंटिन्यूस ग्रोथ आ गया है रूरल एरिया में। इसका वजह से रूरल का डिमांड भी बहुत अच्छा है। सो इस ये रूरल अर्बन दोनों मार्केट अच्छा रहने से एक सीवी का साइकिल अपवर्ड हमको देखने के लिए मिलेगा और मुझे लगता है कि ये इसका बेनिफिट सब लोगों को मिलेगा। उमेश जी, आपके इस बार के क्वार्टर नंबर्स के अंदर हमने देखा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जिसको हम निम कहते हैं, वो 6.9 रहे हैं, ऑलमोस्ट उतने जितने पिछली बार के क्वार्टर्स में थे। सर आगे इसका हम ट्रेंड कैसे देखेंगे, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों का जरा बता दीजिएगा सर? हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कभी भी हम 7% का आसपास हम रखना चाहते हैं। अभी हमारा फोकस ज्यादा एक निश सेगमेंट में है, यूज्ड व्हीकल और इंडिविजुअल ऑपरेटर्स, वहां पर ज्यादा फोकस है। वहां एनी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हम पास ऑन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वो निश प्रेजेंस रहने से कस्टमर का एक हमको एक अंदाज है कि हम कितना इंटरेस्ट रेट पास ऑन कर सकते हैं। सो ऑलरेडी हमने 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है लेंडिंग रेट में, तो हमको कॉन्फिडेंस है कि आगे भी इवन अभी इंटरेस्ट रेट बोरिंग रेट हमारा 15-20 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो गया भी हम वो पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को, और 7% का आसपास हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन रख सकते हैं। ठीक है महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल